राजा शिवि कबूतर और बांझ की कथा। शीना पुत्र महाराजा शिवि बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे, इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म के विरुद्ध अपना आचरण क्यों कर रहे हैं? ये कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज मैं इस बाज से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए कहते हैं, राजा तुमसे डरकर यह कबूतर अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज राजन प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ, यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। राजा शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती हो तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौलकर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ, यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। ये कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवि अपने हाथ से अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्धान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था यह अग्निदेव हैं। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा इस संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्रदेव ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्धान हो गए। दोस्तों, भारत वह भूमि है जहां राजा शिवि और दधीची जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दे दिया। और एक हम लोग हैं, जिंदा की तो बात छोड़िए, मरने के बाद भी अंग दान नहीं करते। दोस्तों, मरने के बाद ये शरीर कूड़ा हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, घर और परिवारी जन जल्द से जल्द उसे घर से बाहर ले जाते हैं। अगर वह शरीर काम का होता तो वह उसको जलाते या गाड़ते क्यों? पर आपके लिए जो काम का नहीं है वह किसी को जीवन दे सकता है, किसी को रोशनी दे सकता है, और मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दे सकता है। और ऐसा तब हो सकता है जब आप इस मृत शरीर को दान करें। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है अंत्येष्टि क्रिया को बदलने का और अंगदान कर परोपकार के भागीदार बनने का। कृपया इस बात पर विचार करें और अपना निर्णय लें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।